बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे मेडिकल साइंस एंड दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर वायरस एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में वायरस का इंट्रो किया था और आज हम वायरस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वायरस फेल टू ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया। अब इसकी माना क्या आ जाती है कि जैसे कि बैक्टीरिया किसी भी मीडियम में ग्रो कर सकता था, लेकिन उसकी निस्बत में अगर हम वायरस को देखेंगे कि ये ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मीडियम हो वहाँ पे ही ये ग्रो कर सकता है और अपनी डिवीजन कर सकता है। उसके बाद वायरस आर नॉट किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब? एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, वायरस। तो वायरस एंटीबायोटिक्स के ज़रिए किल नहीं हो सकता, बट हम इनके लिए क्या यूज़ करेंगे जो कि इसको डिस्ट्रॉय करेगा, वो आ जाता है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स से ही हम वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वायरस रिप्लिकेट इन डिफरेंट मैनर्स, दे डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिशन इन माइटोसिस। अब जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी एनिमल, उसमें किसी ना किसी टाइप की डिवीजन होती होती है, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, जो मियोसिस होती है उसमें सेक्स लाजमी होता है, एग एंड स्पर्म्स का मिलना होता है। ठीक है, और जो माइटोसिस होता है उसमें सिंपली सोमेटिक सेल डिवीजन होती है, और बहुत सारे एनिमल इसी माइटोसिस से भी खुद को डिवाइड करते हैं। और उसके बाद जैसे कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता, माइटोसिस मियासिस और बाइनरी फिशन या बडिंग वगैरह, ऐसा कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं होता। ये सिर्फ अपनी डीएनए को ही कॉपी करके उससे ही अपने बहुत सारी प्रोजेनी बना सकता है, जैसे कि वन वायरस कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मींस हम इनकी जो ये औलाद देते हैं, वायरस की औलाद को सिंपली हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी। वन वायरस कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वायरस कंटेन सेवरल हंड्रेड्स ऑफ जीन्स। अब जो कॉम्प्लेक्स वायरस होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि जीन्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए वो उसको कॉम्प्लेक्स बनाएगी। एंड उसके बाद वायरस पैक्ड विथ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अब ये जो जीन्स है ये किस से कवर होती है, ऐसे खुले मैदान में जीन्स तो नहीं फिरती रहेगी वायरस की, इनको भी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए, तो वो क्या होती, किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं और सिंपली कैप्सिड। ठीक है, उसके बाद वायरस मैन्युफैक्चर देयर बॉडी फ्रॉम प्रोटीन एंड एंजाइम ऑफ होस्ट बॉडी। अब जैसे कि हमारे सेल्स में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हमारे सेल में मौजूद होते हैं, वैसे ही वायरस में तो सेल ही नहीं है, तो ये चीज़ें कहाँ से आएगी, वायरस कैसे खुद को डिवाइड करेगा, कहाँ से अपना सामान लाएगा, इन चीज़ों को खुद की डिवीजन करने को, खुद की ग्रोथ करने को कहाँ से ये सब मटेरियल लाएगा। ये जो सारा मटेरियल है वो होस्ट के सेल से गेन करता है, प्रोटीन एंड एंजाइम्स ऑफ होस्ट बॉडी। इसीलिए हमने ऊपर क्या कल वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि ये क्या है, ओब्लीगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ये किसकी मशीनरी यूज़ करते हैं, होस्ट सेल की। ठीक है, वायरस आर कंप्लीटली नॉन लिविंग और स्टैटिक ऑफ लाइफलेस आउटसाइड।
अब जैसे कि मैंने कहा कि वायरस आर कंप्लीटली नॉन लिविंग है, कहाँ पे? आउटसाइड। आउटसाइड किसकी? आउटसाइड ह्यूमन, एनी काइंड ऑफ एनिमल और सेल। सेल के आउटसाइड अगर वो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लाइफलेस, उसके बाद कोई भी लाइफ नहीं है। आउटसाइड द होस्ट बट कंप्लीटली लिविंग इनसाइड द होस्ट, मगर सेल के अंदर ये कंप्लीटली लिविंग हो जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट जनरेट एनर्जी एंड सिंथेसिस प्रोटीन, क्योंकि वो खुद के लिए एनर्जी एंड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता खुद से, इसीलिए वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।